दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लूट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे 75 रुपीज़ आपको पर नंबर पे मिल सकता है। आपके पास दो नंबर है तो दो नंबर पे मिलेगा। ये जो है एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ मिक्स करके मैंने एक लूट निकाला है, जहाँ पे आपको मिलेगा 75 रुपीज़ पर नंबर, जिसको आप चाहो तो पेटीएम में ऐड कर सकते हो, चाहो तो बैंक पर भी ट्रांसफ़र जो है यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एयरटेल का जो एप्लीकेशन है माई एयरटेल, उसको डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक वाला जो आपके पास अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के साथ साथ माई एयरटेल ऐप में आपको जो है साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको माई एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसको क्रिएट कर लेना है। तो बहुत ही इजीली आपको कुछ इस बेसिक डिटेल्स देना पड़ता है इसके अंदर, एंड बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे नीचे आपको आपका पिन कोड वगैरह और आईडी प्रूफ वगैरह आपको क्या दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कुछ भी देके आपको डॉक्यूमेंट्स देके यहाँ पे घर बैठे इस पेमेंट बैंक अकाउंट को जो है ओपन कर सकते हो। तो इस केस में मेरे पास एक पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो कहाँ पर आप लोगों को 75 रुपीज़ पर नंबर मिलेगा मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेटीएम पे और यहाँ पे जो है फ़ोनपे पे बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों को यूपीआई का मिल जाता है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में जैसा मिलता है सिंपली यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको सेम मिल जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर यहाँ पे आप लोगों को इतना सारा ऑफर मिल जाता है कि आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आपको 75 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट कस्टमर के लिए है, तो मार्च का 31 मार्च तक ये जो ऑफर चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस जैसे ही पेमेंट बैंक अकाउंट आपको ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पे अवेल ऑफर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो अवेल नाउ के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सिंपली यहाँ पे अवेल ऑफर के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपका जो एम पिन है उसको इधर एंटर करना है। तो जैसे मैंने एम पिन डाल दिया, आप देख सकते हो एप्लीकेशन थोड़ा बहुत लोडिंग दे रहा है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, बैंक से आपको 300 रुपये माई एयरटेल पेमेंट बैंक जो अकाउंट है उसके अंदर ऐड करना है। जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करेगा, तो रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल ये सिम कार्ड मेरे पास नहीं है, तो इस ऑफर को एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपको करना क्या है, बैंक से आपको पैसा लेना है। तो मैं आप लोगों को इसका टर्म्स एंड कंडीशन समझा देता हूँ, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में जाऊँगा तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर ही मिलेगा। मिनिमम आपको 300 रुपये की ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि फ़ोनपे के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, फ़ोनपे के अंदर अगर 150 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जो उसका 50% शायद कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी एक यूपीआई के अंदर, किसी भी एक बैंक यूपीआई के अंदर आपको 300 रुपये की ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरटेल यूपीआई पर मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में सेंड कर सकते हो, तेज पे भी कर सकते हो। यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे @airtel UPI में सेंड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी @airtel UPI मतलब अकाउंट से @airtel UPI अकाउंट से 300 रुपये की ट्रांजेक्शन किसी भी दूसरे UPI पेमेंट बैंक के अंदर करना पड़ेगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो आपका UPI एड्रेस है, एग्जांपल आपका नाम मान के चलो आपका नाम @paytm है, तो उसको इधर डाल के इसमें ट्रांजैक्शन करना है। 72 बिजनेस वर्किंग आवर मतलब 72 आवर्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे जो कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 75 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, एंड ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली क्रिएट करना है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। एयरटेल की सिम अगर आपके पास है तो बहुत ही इजीली, इसमें आपको पैसा ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आप बैंक से उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड मनी के ऊपर टैप करना है। उसके बाद 300 रुपये ऐड कर लेना है। 300 रुपये ऐड करने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको भीम UPI का ऑप्शन दिख रहा है, तो भीम UPI के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे मेरा सिम कार्ड अभी इस फोन पर नहीं है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो जैसे ही ये जो है आपका सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है, इंस्टेंटली आपका होगा क्या, हाँ, आप यहाँ पे से जो है आपकी पेटीएम का जो UPI एड्रेस है उसको डाल के यहाँ पे से पे करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो इसमें से 300 रुपये उस दूसरे UPI के ऊपर पे कर देना है। उसके बाद होगा क्या, विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको जो है 75 रुपीज़ का कैशबैक आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो बैंक में ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी है। तो मैं पिन डाल देता हूँ मेरा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लेटिनम कार्ड है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का ATM कार्ड है। तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको भी एक कार्ड नंबर मिलेगा, तो आपका कार्ड नंबर, CVV कोड और बाकी जो चीज़ है उसको देके आप जो इस पैसे को डायरेक्टली आपकी पेटीएम में ऐड कर सकते हो बहुत इजीली। एंड अगर आप चाहो तो उस पैसे को UPI से दूसरे बैंक पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। कुल मिला के बात यही हुआ कि आपको एक पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का जो UPI एड्रेस है उसको इधर भीम UPI पे डाल के हम लोग 300 रुपये उस अकाउंट पर सेंड करेंगे, एंड 300 रुपये आप ऐड कर लेना माई एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपको जो है 75 रुपीज़ का जो कैशबैक है वो मिल जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जितने भी सारे
ऑफर्स आता है सारे के सारे ऑफर्स रियल होता है। एंड इसमें से मुझे बहुत बार पैसा मिला है, जैसे कि विंक म्यूज़िक जो एप्लीकेशन है, विंक म्यूज़िक एप्लीकेशन के अंदर एक ऑफर चल रहा था जहाँ पे से 20 रुपये मिल रहा था बिल्कुल फ्री में, तो मैं आप लोगों को एक प्रूफ दे देता हूँ उसका। तो विंक म्यूज़िक जो एप्लीकेशन है उसके मुझे मिला था, देखिए विंक रेफर कैशबैक मैंने रेफर किया था एक दोस्त को, तो वो वाला ऑफर अभी एक्सपायर हो चुका है, तो मेरे को मिल गया था वो कैशबैक। उसके बाद उस मनी को मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया, देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट मेड पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडिया पे आप देख सकते हैं, मास्टर कार्ड से मैंने किया था मेरे ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से जो है आप 75 रुपीज़ पर नंबर बहुत ईजिली जो है ले सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है, एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद बहुत ही ईजीली आपको जो ये पैसा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा आपको करना क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट चाहिए एक, जिसका UPI या फिर आप तेज को भी यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपके पास तेज नहीं है तो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को यूज़ कर लेना, एंड देन उसके बाद आप इसको बहुत ही ईजिली जो है यूज़ कर सकते हो। आपको 300 रुपये ऐड करना है बैंक से, एंड उसके बाद आपको 75 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा 300 रुपये सेंड करने के लिए, जो कि बहुत ही ईजिली आपको जो है कैशबैक मिल जाएगा। आपको सिंपली अपने ऑफर को जो है एक्टिव करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जरूर से स्टार्ट करेगा। थैंक यू।